नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के टाइटल से आप समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में डॉक्टर के सिवान जी का ड्राइंग करने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसरो के चेयरमैन जिन्होंने भारत के लिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। और इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, यह वीडियो टाइमलेस वीडियो रहेगा लेकिन थोड़ा ट्यूटोरियल वीडियो भी है। तो चलिए बिना कोई विलंब किए ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आउटलाइन ड्रॉ कर चुका हूँ और एक रेफरेंस इमेज के लिए प्रिंट आउट करवा कर लाया हूँ। मैं यहाँ पर पहले 2B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर HB पेंसिल का यूज कर रहा हूँ और मैं इस ड्राइंग में टोटली सिर्फ 8 लाइन की पेंसिल्स का यूज किया हूँ। अगर आपकी पेंसिल शार्प नहीं है तो पहले आपको उसे अच्छे तरीके से शार्प कर लेना चाहिए, इससे शेडिंग अच्छी तरीके से होती है। मैं यहाँ पर ब्लाइंड करने के लिए मेकअप ब्रश का यूज कर रहा हूँ जो कि मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। और मैं यहाँ पर फिर से इसे और डार्क करने के लिए 4B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। उसी तरह आपको दूसरे आईज को भी ड्रॉ कर लेना चाहिए लाइट और डार्क पेंसिल्स का यूज करके। किसी भी स्केच को बनाने के लिए पहले हमें उस रेफरेंस इमेज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना पड़ता है कि कहाँ डार्क एरियाज है, कहाँ लाइट एरियाज है। फिर उसके बाद हमें डार्क और लाइट पेंसिल्स का यूज करके उसे सेटिंग करना पड़ता है। मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज करने जा रहा हूँ यहाँ पर। और स्मूथ आपको अगर स्मूथनेस लाना है तो ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज कर सकते हैं। और ब्लेंडिंग स्टम्प से थोड़ा डार्क एरियाज आउट होता है। अब मैं यहाँ पर HB पेंसिल का यूज करके फेस पर शेडिंग कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पर हाइलाइटेड जितनी भी एरिया है उसे मैं वहाँ पर शेडिंग नहीं कर रहा हूँ। और जब मैं इसे ब्लाइंड करूँगा तो वो भी सब मर्ज हो जाएगा अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर R2 180 GSM पेपर यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर फिर से 4B पेंसिल्स का यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर हेयर बनाने के लिए मैं 4B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि और हमें डार्क करना है तो यहाँ पर 6B पेंसिल का यूज कर सकते हैं आप। फिर
किसी भी स्केच को बनाने के लिए आपको लाइट से डार्क की तरफ जाना पड़ता है। मैं यहाँ पर फिर से 2B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर डार्क एरियाज के लिए मैं फिर 4B पेंसिल का यूज करूँगा। और ब्लाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं मैं टिशू पेपर का यूज भी करता हूँ। मैं इस ड्राइंग को करने में ब्लाइंडिंग स्टंप्स, ब्रश और टिशू पेपर, इन तीनों चीज़ों का यूज किया हूँ। लास्ट में आपको हाइलाइटेड एरियाज को इरेजर से हल्का हल्का इरेज कर उसे हाईलाइट कर देना होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।